नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का सीएल एकेडमी के इस ऑनलाइन महामंच पर। सिंप्लीफिकेशन का सेकंड डे है। आप लोगों ने से काफी लोगों ने कल का सेशन जरूर देखा होगा, डे वन, जिसमें कुछ रूट के अंदर वाले क्वेश्चंस किस पैटर्न के बनते हैं वो सब हम लोगों ने देखे थे। तो आज भी जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं कि किस पैटर्न के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, मल्टीप्लाई की फॉर्म वाले क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ने वाले भाई। तो उसमें जितने पैटर्न बनते हैं, जैसा कि आपको मैंने बताया, जब जब आपकी सिंप्लीफिकेशन की क्लास होगी कोई एक पैटर्न को हम लोग फॉलो करेंगे और उसमें जितने एडवांस लेवल के क्वेश्चंस बन सकते हैं रिसेंट के एग्जाम्स के हिसाब से वो सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज के सेशन को भी लास्ट तक देखना, जैसा कि मैं हर सेशन में कहता हूं, नोटबुक आप लेके बैठा करें, क्योंकि जब तक सेशन एंड होगा ना तब तक काफी कुछ बातें आप लोग सीख चुके होंगे और उन लोगों से काफी आगे बढ़ चुके होंगे जिन्होंने सेशन नहीं देखा है, जिन्होंने क्वेश्चंस नहीं किए। तो फटाफट से आपके पास 10 सेकंड का समय, नोटबुक और पेन लेके बैठिएगा, फिर क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट दोनों हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फटाफट से। गाना सुन रही थी, इस बार सीएल का अर्ड कैसे आ रहा है? चले भाई, तो आज के सेशन देखिए कहां से स्टार्ट होगा। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, बिल्कुल क्वेश्चन वाइज कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हो जाएंगे। आप लोग क्वेश्चंस नोट करें ना करें, पर सॉल्यूशन जो मैं आपको बताऊंगा वो आप सभी को नोट करना है भी। देखो, स्टार्टिंग हम लोग बिल्कुल बेसिक से करने वाले हैं, तरीके से समझते हो जाना है। और मैं कभी भी अर्थमेटिक में आपसे नहीं कहता कि आप नोट्स बनाए ना बनाए, कोई दिक्कत नहीं। अर्थमेटिक में आपने पैटर्न एक बार समझ लिया उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी होती है, पर एडवांस मैथ सिंप्लीफिकेशन उसी का एक पार्ट है। तो एडवांस मैथ एक ऐसा मैथ्स होता है जिसमें थ्योरी भी आपके काम आएगी, फॉर्मुलेज भी आपके काम आएंगे, और क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करने के लिए थ्योरी प्लस फॉर्मुले ये दोनों पता होना आपको बेहद जरूरी है। तो इसके नोट्स बिल्कुल तरीके से मेंटेन होने चाहिए। दूसरी बात, किसी ने अगर डे वन का सेशन नहीं देखा है तो यूट्यूब पर वापस से आप लोग जब ये सेशन खत्म होगा उसके बाद पिछले सेशन को जरूर विजिट करिएगा, उसमें काफी अच्छी बातें आपको सिखाई गई थी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चंस देखने वाले हैं कि सर ऐसी कोई सीरीज आती है जिसमें नीचे कंटिन्यूअसली नंबर मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, या ऐसी कोई सीरीज आती है जिसमें ऊपर मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, दो दो टर्म्स हमें आपको दिखाई दे रही है। आप देखिए आगे चलकर हम लोग तीन तीन टर्म्स वाले क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। तो सारे पैटर्न मैं कवर करूंगा जो रिसेंटली आपसे एग्जाम से पूछे गए। आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, बिल्कुल आगे कूदने की नीड नहीं है। आपको लगता है कि आपको सेशन में चीजें आती हैं तो आप फटाफट से आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, तो पता लगेगा हाँ वाकई में आप लोग चीजों को जानते हैं, वरना फिर केवल शांति से सुनने का काम करना। ध्यान दीजिएगा एक बार, ऐसा पैटर्न जब भी आपको एग्जाम में मिलेगा, एक बात मैं आपको बता देता हूं कि कभी भी इस पैटर्न में जितने भी नंबर्स आपको मिलेंगे उनके बीच डिफरेंस हमेशा सेम मिलेगा। क्या बोला मैंने? इस पैटर्न में जितने भी नंबर्स आपको मिलेंगे उनके बीच डिफरेंस हमेशा आपको क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। अब चाहे वो डिफरेंस आपका वन का हो, चाहे वो डिफरेंस आपका टू का हो, थ्री का हो, फोर का हो, ऐसा नहीं होगा कि सर डिफरेंस शुरुआत में आपको एक का दे दिया, फिर दो का दे दिया, फिर चार का दे दिया, इस तरीके से रेंडमली आपको डिफरेंस नहीं देगा। तो जो भी पैटर्न बनेगा एक फिक्स पैटर्न फॉलो होने वाला है। तो समझे एक बार क्या करना है, क्या मैं 1/2 × 3 को इस तरीके से लिख सकता हूं क्या? 1/2 − 1/3। आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 1/2 − 1/3 का अगर एलसीएम लिया जाए तो 2 × 3 आएगा और ऊपर डाटा आएगा आपका 3 − 2, 3 में से 2 माइनस होगा, वापस क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। तो पहली स्टेप को मैंने इस तरीके से ब्रेक किया, 1/2 − 1/3। तो सर अगर मैं पहली स्टेप को ऐसे ब्रेक कर सकता हूं तो मैं अगली स्टेप को इस तरीके से ब्रेक कर सकता हूं, 1/4 − 1/5। नेक्स्ट स्टेप को आप ब्रेक कर सकते हैं 1/5 − 1/6, और उसी तरीके से सबसे लास्ट का जो टर्म है 1/10 − 1/11 लिखा जा सकता है। क्या बात समझ में आ रही है क्या? हम लोगों ने केवल क्या किया है, नंबर को ब्रेक किया। तो 1/2 × 3 को मैंने क्या लिखा भाई, 1/2 − 1/3। सीरीज कंटिन्यू चल रही है लास्ट तक, 1/10 − 1/11। अब अगर थोड़ा सा हम लोग फोकस करें तो आप देखिए क्या देखेंगे, बीच में एक स्टेप ये भी थी 1/3 − 1/4, ये भी आएगा भाई, उसके बाद 1/4 − 1/5। अब ध्यान देना, माइनस के 1/3 से सर प्लस का 1/3 कैंसिल हो रहा है, माइनस के 1/4 से प्लस का 1/4 कैंसिल हुआ, माइनस के 1/5 से प्लस का 1/5, उसी तरीके से 1/6 से आगे 1/6 आएगा वो भी कैंसिल होगा, 1/10 से 1/10 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इस पैटर्न में लिखने का
जो फायदा वो ये है कि आप लोग सारे नंबर्स को कैंसिल कर पा रहे हैं सिवाय फर्स्ट और लास्ट के। तो फर्स्ट नंबर जो बचा हुआ है सर 1/2 है और लास्ट का जो नंबर है वो है आपका 1/11। तो आंसर जो आएगा एलसीएम आ चुका है आपका 22 और 2 से 11 बार, 11 से 2 बार, 11 में से 2 गया आपका 9/22 क्वेश्चन का आंसर। आंसर जो आएगा वो आएगा 9/22। तो ये था भाई बेसिक कि किस तरीके से हम लोग नंबर को ब्रेक करके आंसर निकाल रहे हैं। एग्जाम में ऐसा करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है पर ऐसा पता होना बहुत जरूरी है कि इसका बेसिक क्या है। ब्रेक करके हम लोग नंबर को आगे कंटिन्यू करते हैं। सब कुछ कैंसिल हो जाता है शिवाय दो टर्म्स के, उनका डिफरेंस लिया 9/22 आपका आंसर है। ठीक है, अब समझना एक बार। जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाएगा तो आप लोग क्या करने वाले हैं ध्यान दीजिएगा। हम लोग करने वाले हैं सर 1/डिफरेंस, 1/डिफरेंस यानी कि अंतर। ये जो मैं तरीका बता रहा हूं केवल दो दो नंबर्स के पेयर के लिए बता रहा हूं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्टार्टिंग हम लोग दो दो नंबर से ही कर रहे हैं, 2, 3, 3, 4, 4, 5 इस तरीके से ना। तो 1/डिफरेंस, 1/फर्स्ट टर्म, 1/फर्स्ट टर्म यानी कि प्रथम पद माइनस 1/लास्ट टर्म, 1/फर्स्ट टर्म माइनस 1/लास्ट टर्म। तो 1/डिफरेंस इंटू 1/फर्स्ट टर्म माइनस 1/लास्ट टर्म, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सर अंतर तो सभी में एक का है और जैसा कि आपको मैंने बताया कि अंतर हमेशा क्या मिलेगा, सेम मिलेगा क्योंकि एक पैटर्न हमें फॉलो करना है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि डिफरेंस अलग अलग आपको मिले, फिर वो सिक्वेंस सिक्वेंस नहीं कहलाते है ना। तो 1/1 1/अंतर, 1/फर्स्ट टर्म प्रथम पद, तो इनमें जो सबसे छोटा है वो कौन है? 2 है, तो ये आ गया 1/2। आपको फर्स्ट टर्म का मतलब ये है, प्रथम पद का मतलब ये है जो इन सब में सबसे छोटा है। तो सर सबसे छोटा तो 2 लिखा हुआ है तो 1/2 आ गया। लास्ट टर्म का मतलब जो इन सब में सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा सर 11 है तो ये आ गया 1/11। 1/1, 1/2 माइनस 1/11 सॉल्व करेंगे तो फिर से वही 22 आपका एलसीएम आ गया, 2 से 11 बार, 11 से 2 बार, 11 में से 2 गया भैया आपका 9/22 क्वेश्चन का आंसर 9/22। तो पहले भी हम लोगों ने देखा ब्रेक करके किया तो भी आपका आंसर 9/22 आया और हम लोग जब फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं तो भी आपका आंसर क्या आ रहा है 9/22 ही आ रहा है। कुछ भी करें आंसर वही आएगा क्योंकि मैथ्स में जब तक क्वेश्चन सेम रहेगा आप कोई भी मेथड अप्लाई करते रहिए आपका टाइम कम लग सकता है, टाइम ज्यादा लग सकता है, कैलकुलेशन बढ़ सकती है, कैलकुलेशन कम हो सकती है, पर लास्ट में पहुंचना वही है जो आंसर है। तो 9/22 क्वेश्चन का आंसर आया। ठीक है, इसी चीज को दोबारा समझेंगे अगले क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन समझना, मैं आपको ये सॉल्यूशन बता रहा हूं केवल दो दो नंबर्स के पेयर के लिए। आगे आपने थंबनेल में देखा होगा कि 4 नंबर भी होते हैं, 5 भी होते हैं, सभी के लिए कुछ कॉमन पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी दो दो वाले नंबर्स पे फोकस करना। तो देखिए हमें क्या करना है सर, हमें शुरुआत करनी है डिफरेंस से। वेरी गुड, 1/डिफरेंस, डिफरेंस कितने का आ रहा है सब में? 2 का आ रहा है तो यह आ गया सर आपका 1/2। कुछ गलत तो मैंने नहीं लिखा, अंतर ही लिखा है और दुनिया जानती है और दुनिया में आप भी आते तो आप भी जानते हैं 5 और 3 का अंतर क्या होगा, 2 होगा। तो सभी लोग जानते कि सर अंतर 2-2 का है। इनटू में क्या था? 1/फर्स्ट टर्म यानी कि प्रथम पद, और प्रथम पद का मतलब ये बिल्कुल नहीं है जो सबसे पहले लिखा हुआ है, प्रथम पद का मतलब है जो इन सब में सबसे छोटा है। इस बात पे गौर कीजिएगा, इन सब में सबसे छोटा कौन है सर? 3 है। माइनस लास्ट टर्म क्या है आपकी? 21 है, 21 मैंने लिख दिया। अब देखिएगा जरा 1/2, यहां एलसीएम आ जाएगा सर 21, 3 से 21 7 बार, 21 से 1 बार, तो ये डाटा आ गया सर 1/2। 7 में से 1 गया 6 डिवाइड बाय 21, 2 से 6 3 बार और 3 से 21 7 टाइम, ऊपर बचा 1 नीचे बचा 7, यही आपका आंसर है 1/7 1/7। जो भी लोग कमेंट कर पा रहे 1/7, वेरी गुड भाई, आपको बात समझ में आ रही है, बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं मान के चल रहा हूं कि अगर दो दो के पेयर वाले क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं समझ पा रहे हैं, कोई डाउट होता कोई दिक्कत नहीं। 1/2 कैसे आ रहा है? अंतर 2 का आ रहा है ना। इनटू में 1/फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है आपकी? 3, और लास्ट टर्म क्या है आपका? 21। तो 1/3 माइनस 1/21 एलसीएम 21 आएगा, सॉल्व करेंगे तो लास्ट में आके आगे 1/7। अभी एक क्वेश्चन मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, आपके पास 10 सेकंड का समय है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, मात्र 10 सेकंड, 10 से 11 हुई तो फिर कोई फायदा नहीं है भाई, कहीं कोई फायदा नहीं है। चलिए 1/1 × 4, अभी भी सर आप दो दो नंबर की बात कर रहे हो, बिल्कुल
मैं दो ही नंबर की बात करूंगा, जब तक आप लोग आंसर निकालना नहीं सीख जाएंगे। दो दो नंबर के ही पेयर चल रहे हैं, मैं भी साथ में सॉल्यूशन कर रहा हूं और आपका आंसर मेरे आंसर से मैच होना चाहिए भाई। एक बटे अंतर, चार और एक का अंतर कितना आएगा, तीन, इंटू में वन अपॉन फर्स्ट टर्म, शुरुआत एक से हो रखी है और सबसे छोटा भी एक है, एंड किससे हो रखा है, 64 से हो रखा है, तो लास्ट में क्या आ गया, 1/64। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं यार। एक बटे एक माइनस एक बटे चौसठ, चौसठ एलसीएम आएगा, 64 में से एक माइनस हो जाएगा, बाहर एक बटे तीन पहले से है, एक बटे तीन इंटू 63 माइनस एक। किसी को ऐसा लग रहा है कि सर ये आप क्या कर रहे हैं, हमारे समझ नहीं आ रहा, उनका कुछ नहीं हो सकता, ये बात ध्यान रखना। जिनको यही समझ नहीं आ रहा है कि 64 कैसे एलसीएम आया, तो भाई बहुत हालत खराब है और देश की हालत भी खराब चल रही है, आप लोगों की हालत खराब चलेगी, गवर्नमेंट जॉब आपको नहीं मिलेगी। सरकारी नौकरी पाने के लिए काफी कुछ करना पड़ता है, काफी लोग संघर्ष कर रहे हैं, दो दो साल से तैयारी कर रहे हैं, तीन तीन साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं और हम यहाँ अभी एलसीएम ही ले रहे हैं। हमें 64 एलसीएम कैसे आ रहा है समझ नहीं आ रहा भाई। 64 ही तो एलसीएम आएगा, 64 एकम 64 होते हैं, 64 बार कैंसिल होगा, एक बार कैंसिल होगा 63 हो गया, 3 से 63 21 बार, 21 बटे 64 तो डाटा आएगा आपका 21/64। तो ये दो दो नंबर के पेयर थे, एक और आपको शायद मौका मिल सकता है, अब नहीं मिलेगा, अब नेक्स्ट पैटर्न आ चुका है। इसका आंसर निकालिए फिर से, मात्र 10 सेकंड का समय, 10 सेकंड्स ओनली। कुछ लोगों को भाई मैं ये ऑफलाइन क्लास में पढ़ा चुका हूं तो उसका फायदा ना उठाएं, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, जब मैं बताता हूं कि इस क्वेश्चन पे स्टार लगा लेना, ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन तो चलो वो सुनते नहीं सुनते पर उसका आंसर रट लेते हैं, उनमें से एक क्वेश्चन ये भी है। तो कुछ लोग बड़ी जल्दी कमेंट भी कर सकते हैं कि सर आंसर ये आएगा, उन्हें रटा हुआ है, और रटा हुआ होना भी चाहिए। कभी कभी लगता है कि जब क्वेश्चन लेंदी है या क्वेश्चन में टाइम लग सकता है तो उस क्वेश्चन का आंसर याद भी किया जा सकता है, पर उससे पहले उसको समझना बेहद जरूरी है। तो वो क्वेश्चन आपके सामने है, 3/1 × 2 आगे 5 है, डिवाइड में 2/2 × 3/2 लास्ट में है 19/9 × 10। तो मेरी बात वो लोग सुनेंगे जिन्हें लग रहा है कि सर हमें अभी आंसर निकालना नहीं आ रहा है, वो बिल्कुल फोकस करेंगे मेरी बात पर। पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये जो नंबर आ रहा है 3, 5, 7, 19 ये कैसे आया। देखिए 3 कैसे आया, 3 आया सर नीचे वाले नंबर का अंतर लेने से। नीचे कौन कौन है, नीचे है सर 1/2 और 2/2, 2/2 आपका 4, 1/2 एक, 4 में से 1 गया, 3 बचेगा नहीं बचेगा, बिल्कुल 3 बचेगा। आगे जरा देखो 5 आ रहा है क्या, क्यों नहीं आएगा 5, 3/2 9, 2/2 4, 9 में से 4 गया, 5 आ गया। इसी तरीके से आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। एक काम करते हैं आपकी तसल्ली के लिए, स्कोर चेक कर लेते हैं, 10/2 100, 9/2 81, 100 में से 81 जाएगा, 19 ही आएगा। तो अब आपको समझ में आ रहा है ऊपर जो नंबर लिखे हुए हैं वो कैसे लिखे हुए हैं। ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है वो एक्चुअली में नीचे वाले नंबर का अंतर ही है। तो ये जो पहली स्टेप है इसको मैं लिख सकता हूं 1/1 − 1/2। बताइए लिखा जा सकता है क्या, बिल्कुल लिखा जा सकता है सर, एलसीएम आएगा इसका 1/2 × 2/2, ऊपर जाके जब अंतर लूंगा तो क्या बन जाएगा, वो 3 बन जाएगा। अगली स्टेप को बताना जा रहा, नेक्स्ट स्टेप है सर आपकी 1/2 − 1/3। बहुत बढ़िया, अगली स्टेप क्या आएगी, 1/3 − 1/4। और इसी तरीके से करते हुए लास्ट में आपका 1/9 − 1/10 आ चुका है डाटा। तो आप जरा ये देखें कि ये जो हमने इतनी सारी संख्याएं लिखी हैं, इनको लिखने का कुछ फायदा है क्या, बहुत ज्यादा फायदा है। बचा ही क्या, देखो सब कुछ कैंसिल हो गया, सब कुछ कैंसिल हो गया, बचा ही क्या है, 1/1 शुरुआत का नंबर माइनस 1/10 लास्ट का नंबर, 1/1 − 1/100, 100 में से 1 माइनस होगा, 99/100। ये वो आंसर है जो मेरे निकालने से पहले काफी स्टूडेंट ने कमेंट कर दिया होगा, मैं जानता हूं। 99/100 आपका आंसर आएगा, 99/100 क्वेश्चन का आंसर है। बात आ रही आप सभी को समझ, कोई दिक्कत नहीं, केवल अंतर लेना है हम लोगों को, ठीक है। चलिए 4 क्वेश्चन हो चुके हमारे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको आप लोग ट्राई करें एक बार क्वेश्चन लिखने के बाद। अभी तक सर आपने हमें केवल 2 नंबर के बारे में बताया, अब आप 3-3 नंबर के जोड़े लेके आ रहे हैं। बिल्कुल मैं 4 नंबर के पेयर भी लेके आऊंगा, 5 के भी लेके आऊंगा, जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो नीचे नंबर्स कितने भी बढ़ते रहे आप हमेशा आंसर निकाल पाएंगे, वो तरीका हम लोग अभी जानने वाले हैं। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा साथ के साथ।
सर आप स्टार्ट कर रहे हो 1 2 3 से, फिर 2 3 4 3 4 5, लास्ट में आपका 9 10 11 करना क्या है देखिएगा। सबसे पहले 1/ डिफरेंस हम लोग लेते हैं, पहले भी डिफरेंस ले रहे थे अभी भी डिफरेंस लेंगे, पर अब समझना अंतर लेना किनके बीच में होता है। अंतर हमेशा आपको पहली संख्या और लास्ट की संख्या के बीच में लेना होता है। क्या कहा मैंने आपको, डिफरेंस हमेशा पहली संख्या और लास्ट के नंबर के बीच लेना होता है। शुरुआत वाले केस में केवल दो ही नंबर थे, देखिएगा एक बार शुरू में जो केस था उसमें केवल दो ही नंबर थे, तो आप पहले और दूसरे का ही अंतर लोगे। तो मैंने बोला था इनके बीच का अंतर 3 आ रहा है, आप 3 लिख दें। जब नंबर सर 2 से बढ़कर के 3 हो गए, तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि डिफरेंस हमेशा फर्स्ट और लास्ट नंबर का लिया जाता है। मान लीजिए यहां 4 नंबर होंगे, तो आप डिफरेंस लेंगे पहले और चौथे नंबर का। बात समझ में आ रही है क्या? तो जरा बताइए 1 और 3 का अंतर कितना आ गया, 2। तो ये तो आ गया आपका 1/2। इस बात से तो आप एग्री कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग अंदर क्या लिखेंगे वो सुनिएगा। जब दो दो संख्याओं के जोड़े थे, पिछले क्वेश्चन में जब दो दो संख्याओं के जोड़े चल रहे थे, तो हम लोग केवल एक ही संख्या काम में ले रहे थे, पहली वाली और आखिरी वाली। जब तीन तीन संख्याओं के जोड़े चलेंगे, तो आप दो दो संख्याओं को काम में लेंगे। बात सुनना, जब आप लोग तीन तीन संख्याएं देखेंगे, तो संख्याएं केवल दो काम में आएंगी। अगर नीचे 4 संख्याओं का मल्टीप्लाई होगा, तो संख्याएं केवल 3 काम में आएंगी। एक कम संख्या काम में लेनी होती है, आ रही बात समझ? एक कम संख्या काम में लेनी होती है। तो सर आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर ये 3 संख्या है, तो मैं केवल 2 ही संख्या काम में लूंगा। बिल्कुल, आप केवल 2 ही नंबर्स काम में लेंगे। अब 2 नंबर कौन से? जब शुरुआत की बात कर रहा हूं, तो सबसे पहले 2 नंबर, सबसे पहले 2 नंबर कौन है? 1 × 2 माइनस, जब मैं लास्ट की बात करूंगा, तो लास्ट में 2 नंबर कौन है? 10 × 11, तो 1/10 × 11। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था अब तक, वो बात शायद आपको थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। तीन तीन नंबर आपको दिए जा रहे हैं, तो आप दो दो नंबर काम में लेंगे। ये नंबर 4 भी होंगे, अभी आगे मैं एग्जांपल लेके आया हूं 4 वाले भी, वहां भी बातें क्लियर होंगी। पर उससे पहले मैं आपको समझा देता हूं ये 2 कैसे आ रहा है। ये 2 ऐसे आ रहा है पहले और आखिरी नंबर का डिफरेंस। आ गया समझ आप लोगों को? आगे सोल्व कर लेते हैं इसको एक बार। 1/2, ये आ गया 1/2 माइनस 1/110। आगे जरा सोल्व किया जाए, 1/2 पहले से है, इसका एलसीएम 110 आ चुका है। 2 से 55 बार माइनस 110 से एक बार, 55 में से एक गया 54, 52, 1/2 × 54/110, इसको आप वैसे सोल्व कर सकते हैं, 27 बार कैंसिल होगा। ये कैलकुलेशन तो चलो आप फिर भी कर लेंगे, पर यहां तक पहुंचा कैसे जाए, उसके लिए ये पैटर्न आपको समझ में आना जरूरी है। नोट कर लेंगे साथ के साथ आप लोग। तो 1/2 हम लोगों ने काम में लिखे कि डिफरेंस आपका 2 का आ रहा है, तो ये पैटर्न आपको समझना जरूरी है, इंपॉर्टेंट पैटर्न है कि मल्टीप्लाई में नीचे 2 नंबर आ गए, 3 आ गए, 4 आ गए, तो क्या करेंगे? तो यही हमको करना है। कुछ आ रहा है समझ आप लोगों को? या वैसे मेहनत कर रहा हूं मैं, आ रहा है? चलो फिर आ रहा है तो इसके बारे में बताओ। दस प्लस 5 15 सेकंड। जो भी लोग थोड़ा लेट जुड़े ना सेशन में, वो सेशन एंड होने के बाद स्टार्टिंग से देखिएगा, नोट्स जरूर मेंटेन करें। और मैं रिपीट करूंगा, डे 1 इससे पहले मैंने एक क्लास और लिया सिंप्लीफिकेशन की, आगे भी मैं 3-4 क्लासेस सिंप्लीफिकेशन की और लूंगा, जहां डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स को एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको पढ़ाया जाएगा। बस आपको पढ़ना है, पढ़ाने के लिए कमी नहीं है किसी भी फैकल्टी के द्वारा, आपको मेहनत करनी है। चलिए भाई हमें क्या करना है सर, हमें तो बस अंतर लेना है और आंसर निकालना है। तो क्या कहेंगे हम लोग? हम ये कहेंगे सर 1/ डिफरेंस, डिफरेंस किसका? पहले और आखिरी नंबर का। 6 और 2 का अंतर बताना जरा, 4 आएगा, वेरी गुड। तीन तीन नंबर चल रहे हैं क्या? तीन तीन नंबर चल रहे हैं, तो कितने कितने नंबर लोगे? दो दो नंबर लोगे, एक एक कम लेना है। कौन से 2 नंबर? शुरुआत वाले केस में शुरू के 2 नंबर, शुरुआत वाले केस में शुरू के 2 नंबर, और लास्ट वाले केस में लास्ट के 2 नंबर, 20 × 22। बहुत बढ़िया। तो 1/4 तो पहले से है, जरा इसका एलसीएम बताना क्या आएगा। 20 × 22 मैंने एलसीएम मान लिया, कोई बात नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी ले लीजिए, बाद में कैंसिल हो जाएगा। 4 × 2 से जब मैं डिवाइड करूंगा, तो सर 4 से 20 5 बार, 2 से 22 11 बार, 55 बार कैंसिल हो गया। और 20 × 22 से जब मैं कैंसिल करूंगा, एक बार कैंसिल होगा, तो डाटा आ गया फिर से ऊपर 54 54 आ चुका है, और नीचे आपका आ रहा है कितना? 20 × 22।
दो से काटेंगे 27 टाइम्स और दो से काटेंगे दो बार कैंसिल हो गया, अब तो कुछ कैंसिल नहीं होगा, ऊपर 27 आएगा और नीचे आपका 20 दूनी 40 और 40 इंटू 20 कितना आ गया, 800 आ गया। ये आंसर है। देखिए हो सकता है कैलकुलेशन में मैं थोड़ा सा इधर उधर कुछ काटा पीटी में मिस्टेक कर दूं, पर मेरा समझाने पे फोकस है। आप बात को समझें कि पैटर्न क्या है, ये मैं आपको समझा पाऊं। देखिए एक बार 27/800 आ रहा है क्या, कहां पे 400। हाँ बिल्कुल सही बात है, मैं कह रहा हूं आपसे कि कुछ हो सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है, ये छोटी मोटी मिस्टेक है, आप लोग कुछ समझ सकते हैं। पर पैटर्न जो अभी तक आपको मैंने समझाया कि नीचे नंबर्स लगातार मल्टीप्लाई में चल रहे हैं, तो नंबर्स चाहे दो हो तीन हो चार हो, आप सभी का आंसर देने में कैपेबल है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है क्या, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए फिर ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखें एक बार, ये ट्राई करो एक बार। क्वेश्चन नंबर 7, जिनको आप कुछ थोड़ा बहुत दिमाग में जाने लगाए ना, वो लोग फटाफट से पेन चला करके आंसर निकालना स्टार्ट करें। पैटर्न में बता चुका हूं, चाहे नंबर 3 है 4 है 5 है, सभी के लिए वही बेसिक्स हम लोग काम में ले रहे हैं, सभी के लिए वही बेसिक्स हम लोग काम में ले रहे हैं। तो देखिएगा एक बार, 1/डिफरेंस अंतर आपका आ रहा है सर, 4 और 1 का अंतर आएगा 3, यही अंतर आएगा 1/। अब ये 4 संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं आप काम में लेंगे, आप 3 काम में लेंगे। मैंने बताया ना, एक कम काम में लेना होता है, अगर 4 नंबर है तो 3 नंबर काम में लेने, 5 है तो 4 काम में लेने, 6 है तो 5 काम में लेंगे। डिवाइड वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, 3 नंबर कौन, शुरुआत के 3 नंबर 1, 2, 3 माइनस 1/, लास्ट के 3 नंबर कौन है आपके 10, 11, 12। चलिए भाई तो 1/3 यहां एलसीएम क्या आएगा बताओ, 10, 11, 12 को एलसीएम मान ले, तो ये 3 × 6, 6 × 12 दो बार, 11 × 22 22 और 10 220 माइनस ये 1 बचेगा, 1 बचेगा तो ये हो गया सर 219, 220 में से 1 गया 219, डिवाइड में आपका 3 चला आ रहा है, 10 भी है 11 भी है और 12 भी है, तो 3 से तो काटा जा सकता है, 3 × 7 = 21, 3 × 3 = 73 और मुझे लगता है आप 73 को किसी और से कैंसिल आप कर सकते हैं, तो ये फाइनल जो आंसर आ गया सर वो ये आ गया 73 तो ऊपर आएगा, डिवाइड में जो डाटा आएगा 12 × 11 = 132 1320 ये आंसर 73/1320। कैलकुलेशन को चेक करते रहना, मेरा मकसद अभी केवल पैटर्न को समझाना है, जो भी आप लोग समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत है क्या इसमें, आ गया क्या। अब मुझे बताइए मल्टीप्लाई में 4 की जगह अगर मैं 5 नंबर कर दूं तो कोई आफत आ जाएगी क्या, तो आप लोग छोड़ के आ जाएंगे, नहीं छोड़ के आएंगे सर, 5 आ गए तो क्या हुआ, पहले और आखिरी नंबर का अंतर, शुरुआत के 4 नंबर माइनस लास्ट के 4 नंबर, कर पाएंगे पैटर्न। चलिए हम नेक्स्ट पैटर्न पे आगे बढ़ रहे हैं, अगला क्वेश्चन देखिए एक बार, दे ही दिए मैंने आपको 1, 2, 5, 7, 9 नहीं बस में कुछ टाइपिंग एरर है, ये 1, 3 है, दो दो के डिफरेंस पर है। ये जो होमवर्क है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएंगे फटाफट से, या तो सेशन चल रहा है बीच में सॉल्व करते रहे, या फिर सेशन एंड हो जाए उसके बाद कैलकुलेशन करके क्वेश्चन नंबर 8 इसका आंसर, इसका आंसर कमेंट, और ईमानदारी से करना है भाई। चले नेक्स्ट पैटर्न देखिए, नवा क्वेश्चन। अब तक तो सर आप जो सीरीज लेके चल रहे थे वो बटे में लेके चल रहे थे, अब सीरीज सिंपल है, 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4 up to 9 × 10 तक। तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे जब सीरीज बटे के बदले में सीधे मल्टीप्लाई की फॉर्म में हो, तो इसका पैटर्न भी जरा समझना एक बार। एक बार आपने इसका पैटर्न समझ लिया तो आगे जितने भी क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूं सभी के आंसर आप लोग बिल्कुल निकालने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा एक बार। आप लोग क्या करेंगे, पहले सबसे पहले देखेंगे कि सबसे लास्ट में क्या आपको लिखा मिल रहा है, आप कहेंगे सर सबसे लास्ट में लिखा मिल रहा है 9 × 10, तो आपको क्या काम करना है, आपको एक नंबर अपनी तरफ से एक्स्ट्रा ले लेना है। इसको समझने में चाहे 2 मिनट लगे चाहे 5 मिनट, आप सुनेंगे पहले ना, लिखेंगे बाद में। सर लास्ट का पेयर है 9 × 10, एक नंबर मैंने अपनी तरफ से और ले लिया तो नंबर 11 आएगा, 9 और 10 के बाद क्या आता है मैथ्स में, 13 तो आ नहीं जाता, 11 ही आएगा, तो 9 × 10 × 11। फिर माइनस करना है, क्या माइनस करना है सुनिएगा, आपको माइनस करना है शुरुआत की टर्म, तो शुरुआत की टर्म बताइए क्या है, 1 × 2। मुझे बताइए 1 × 2 से पहले क्या आएगा, 0 आएगा नहीं आएगा। आप लोग जब लास्ट वाली टर्म पे फोकस करेंगे तो अगला नंबर लेके चलेंगे,
आप जब पहली वाली टर्म को देखेंगे तो पिछला नंबर लेके चलेंगे, तो 9 और 10 के बाद तो सर अगला नंबर 11 आता है, और 1 और 2 से पहले नंबर आएगा 0, सभी में एक एक का अंतर है, तो 1 से पहले 0 आने वाला है, तो 0 वहां पे मैंने मेंशन किया हुआ है। फिर देखिए बटे में क्या आएगा, बटे में आप ये देखिए कितने कितने नंबर के जोड़े बन रहे हैं। आप कहेंगे सर ये तीन तीन नंबर के जोड़े बन रहे हैं, तो एक तो तीन आ गया, इन टू में संख्याओं के बीच का जो अंतर है, आप सभी भी देखेंगे सभी में अंतर एक एक का दिया हुआ है, तो इंटू वन। अगर सभी में अंतर दो दो का होता इंटू दो, अंतर तीन तीन का होता इंटू तीन हम लोग करते। तो इसको जरा सॉल्व करें एक बार, ये तो सर जीरो में समाहित हो गया, ये क्या बचा, नौ इंटू दस इंटू ग्यारह डिवाइड बाय तीन, तीन से नौ तीन बार, ग्यारह तिया तैतीस इंटू दस कितना आ गया 330 आ गया। जरा नोट करिए फटाफट से एक बार, 330 क्वेश्चन का आंसर। तो आपको डिफरेंस लेना होता है लास्ट में से पहले वाला, एक बार लिखना फटाफट से इसको। लास्ट में से हम लोग पहले वाला माइनस करेंगे, डिफरेंस लेंगे, तब जाकर के आप लोगों का आंसर आने वाला है। चलिए लिख लिया, इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, एक काम करते हैं उसको वापस जीरो लेवल से समझते हैं। क्या किया मैंने, फिर से फोकस करने की कोशिश करना एक बार। सर हमने बस इतना सा काम किया, हमने केवल पहले तो लास्ट का पेयर देखा जो कि 9 इंटू 10 है, आपने कहा एक नंबर और लेना है, हमने ले लिया, 9 और 10 के बाद 11 आता है, तो जब लास्ट वाला पेयर लेंगे उससे अगला वाला नंबर काउंट करेंगे, फिर माइनस जब मैं पहले वाला पेयर लूंगा, जब मैं फर्स्ट वाला पेयर लूंगा तो एक से पहले कौन आता है, एक से पहले जीरो आता है, डिवाइड बाय नंबर हो गए तीन, तीन तीन के जोड़े बन रहे हैं, इनटू में अंतर किन्हीं भी दो संख्याओं में अंतर जो आ रहा है वो कितने का आ रहा है, एक का, डिवाइड बाय थ्री इंटू वन। तो ये सॉल्व किया था हम लोगों ने, अभी कितना आया था 330, ये क्वेश्चन का आंसर है। यही पैटर्न हमेशा काम करेगा, चाहे संख्याएं दो दो के मल्टीप्लाई में हो, चाहे संख्याएं तीन तीन के मल्टीप्लाई में हो, चाहे चार चार के मल्टीप्लाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन से ये बात क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 करो भाई स्टार्ट फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 10, दसवां क्वेश्चन, अभी भी दो दो नंबर के मल्टीप्लाई आपको दिए हुए हैं, दो दो नंबर के मल्टीप्लाई दिए हुए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे सर, हमारा फोकस तो वही लास्ट का पेयर है आपका 20 गुणा 22। अब जरा सुनना, कुछ लोग जल्दीबाजी में आगे 23 ले सकते हैं, हमें अगला नंबर लेना होता है, पर डिफरेंस को भी तो मेंटेन करना है, तो जरा मुझे बताइए 20 22 के बाद 24 आएगा नहीं आएगा, तो 22 से अगला नंबर 23 नहीं लेना है, 24 लेना है, क्योंकि सर अंतर दो दो का चल रहा है, तो आप लोग दो दो के अंतर पे नंबर लेंगे। अच्छा माइनस क्या करना सुनिएगा, स्टार्टिंग हुई है 2 × 4 से, तो अब मुझे बताइए जब मैं दो से पहले वाला नंबर देखूंगा तो दो से पहले आपको 1 नहीं देखना है, दो से पहले आपको देखना है 0। ऐसा क्यों, क्योंकि सर दो दो के अंतर पर दो से जो पहले वाला नंबर आएगा वो 0 ही आएगा, डिवाइड बाय पेयर आपके बन चुके हैं फिर से तीन तीन नंबर के पेयर आपके बन रहे हैं, तो तीन इस वजह से आ गया, इनटू में संख्याओं के बीच जो अंतर है वो कितने कितने का है, दो दो का डिफरेंस है, दो दो का डिफरेंस है, तो दो आ चुका है, जीरो वाले नंबर का तो कोई काम ही नहीं है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हम लोग, 3 × 6 होता है, 6 से 24 चार बार कैंसिल हुआ, 4 × 8 या 22 × 44 440 × 4 जीरो, 4 × 4 16, 6 × 1 4 × 16 और 1 = 17 1760 क्वेश्चन का आंसर आ गया 1760। आप इन चीजों को नोट करते चले, इन चीजों को केवल रफ में नोट ना करें, इनके बिल्कुल तरीके से जहां भी आप नोट्स बनाते वो नोट्स आप लोग मेंटेन करना। 1760 क्वेश्चन का आंसर है, कुछ आ रहेगा समझ, कोई दिक्कत नहीं इसमें। वापस सुनिएगा, लास्ट के पेयर में अगला नंबर पहले पेयर में से पिछला नंबर, बटे में तीन क्यों आ रहा है बार बार, क्योंकि तीन तीन नंबर के जोड़े चल रहे हैं, यहां जो पेयर बन रहा है वो कितने नंबर का बन रहा है, तीन अंकों का बन रहा है, तो तीन से डिवाइड, इनटू में दो क्यों आया, क्योंकि सर शुरुआत में जो पेयर था उसमें अंतर दो दो का है, इसलिए इनटू में दो आ गया, बाकी कैलकुलेशन आप सभी जानते हैं, आंसर 1760 आ रहा है। हो सकता है आंसर में कुछ गड़बड़ी हो जाए कैलकुलेशन में, पर कॉन्सेप्ट इसमें आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 फटाफट से, आपके पास मात्र 10 सेकंड का समय आंसर देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ लो फटाफट से एक बार।
इलेवेंथ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए जरा। मल्टीप्लाई में है, तीन तीन की फॉर्म में है, तो आपको तो वही मेथड मैंने बताया कि सर सबसे पहले लास्ट वाले पेयर से स्टार्ट करेंगे तो ये आ जाएगा सर 19 गुणा 21 गुणा 23, और अगला नंबर ध्यान रखिएगा 24 नहीं आएगा, 25 आएगा, क्योंकि नंबर दो दो के डिफरेंस पर है, तो 23 के बाद नेक्स्ट नंबर 25 आएगा। चलो बात मान ली, माइनस माइनस करेंगे हम लोग स्टार्टिंग वाले नंबर से, तो एक इंटू तीन इंटू पांच। अब जरा सुनना, एक से छोटा आपको नंबर लेना है, एक से छोटा तो सर जीरो होता है, पर जीरो को थोड़ा ना मैं लूंगा, अंतर दो दो का आ रहा है ना, तो एक से छोटा नंबर जो दो के डिफरेंस पर है माइनस का वन, ये गलती मत करिएगा भाई, वहां माइनस का वन आएगा, ये बात ध्यान रखना। हमें हमेशा पिछले वाला जो नंबर है वो लेना होता है, तो एक से छोटा नंबर जीरो, जीरो से भी छोटा माइनस का एक, दो दो के डिफरेंस पर हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस बार पेयर कितने अंकों का बन रहा है? इस बार सर पेयर चार अंकों का बन रहा है, बहुत ही अच्छी बात। और अंतर कितने कितने का दिया हुआ है? डिफरेंस बताइए फटाफट से, एक बार डिफरेंस कितने कितने का दिया हुआ है? दो का या चार का? दो का डिफरेंस दिया हुआ है, तो दो करिए फटाफट से, और मैं चाहूंगा सोल्व करें आप लोग, कैलकुलेट करें, और कैलकुलेट करने के बाद मुझे आंसर बताएं आंसर क्या आ रहा है। जल्दी से एक बार कैलकुलेशन कीजिएगा, हो सकता है टाइम लगे पर करना पड़ेगा हमें, यहां हम लोग नहीं करेंगे तो एग्जाम में भी कैलकुलेशन करने की एक्सपेक्टेशन आप खुद से नहीं रख सकते। सोल्व कीजिए फटाफट से एक बार, उन्नीस इक्कीस तेईस पच्चीस माइनस, ये माइनस माइनस आगे जाके प्लस हो जाएगा, एक बार सॉल्व कर लें। इनके आंसर कभी पॉइंट्स में नहीं आएंगे क्योंकि हम लोग नंबर्स का मल्टीप्लाई करके आपस में जोड़ रहे हैं, तो ये डाटा हमेशा एग्जैक्ट आएगा, ये कभी भी पॉइंट्स में आपका नहीं आ सकता है। डे वन को आपको जरूर अटेंड करना है, आगे जब मैं डे थ्री पढ़ाऊंगा सिंप्लीफिकेशन का, उसमें भी कुछ फिक्स पैटर्न हम लोग खत्म करेंगे, चाहे वो पैटर्न आपका आधे घंटे में फिनिश हो, चाहे एक घंटे में, चाहे डेढ़ घंटे में, वो पैटर्न में बेसिक से एडवांस लेवल तक जो बन सकते हैं, जो करंटली बन रहे हैं, वो क्वेश्चंस आपको कराने की कोशिश की जा रही है। तो आप बाकी लोगों तक भी शेयर करें भाई, आपका कोई भी फ्रेंड है, कोई रिलेटिव है जो तैयारी कर रहा है कंपटीशन फील्ड की, तो वहां तक भी आप चीजों को शेयर करने की कोशिश किया करें, उनका भी भला होना चाहिए आपके साथ साथ। और आपको तरीके से नोट्स मेंटेन करने हैं, इस बात को मेरे को ध्यान रखें, ये नोट्स आपके भी काम आएंगे, पड़ोसियों के भी काम आएंगे, उनकी दुआएं मिलेंगी, वो अलग है ना। मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो, बैठे हुए हो कि बाकी लोगों कमेंट देखें फिर हम बताएंगे, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हम लोग। हाँ जी, 38 240 कोई बहुत ही प्रतिभावान विद्यार्थी बता रहा है 38 240 आ रहा है, क्या ये राइट है या ये रॉन्ग है, ये आप डिसाइड करेंगे। इसने तो बता दिया भाई कि सर 38 240 आएगा, 38 240 आएगा, ऐसा ये कह रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आप सॉल्व कर लीजिएगा, पैटर्न आपको मालूम पड़ा। हाँ भाई, 22 94 25, ओहो 22 94 25, 38 240 और 2 बटे में क्या आएगा बेटा? तूने केवल ये बताया क्या? ये क्यों बताया? मैं पूछ रहा हूं पूरा आंसर क्या आएगा, पूरा आंसर बताइए। इसमें प्लस में 15 कीजिए, बटे में 8 कीजिए, फिर देखिए क्या आंसर आ रहा है। चेक कर लीजिएगा आप लोग, मैं अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ रहा हूं। जो लोग केवल क्वेश्चन का वेट कर रहे हैं, क्वेश्चन आ जाए बस, सॉल्यूशन तो हम करते लेंगे। ये देखिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए एक बार जरा, क्या लिखा हुआ है। 1 2 3 4 से स्टार्ट किया गया है, फिर उसके बाद 2 3 4 5 सीरीज कंटिन्यू है, कहां तक? अप टू 5 टर्म्स। अब इसमें क्या किया, इसने टर्म्स लिखना बंद कर दिया, इसने बोला कि ये जो सीरीज है ये 5 पदों तक चलेगी, तो मुझे बीच की जो टर्म्स हैं उससे मतलब नहीं है, मुझे मतलब है केवल फर्स्ट और आखिरी नंबर से, वही फैसला करता है आंसर का। तो सर फर्स्ट वाला तो मुझे दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 है, अगर मैं लास्ट वाला पता लगा लूं कि लास्ट में क्या आएगा तो कर पाएंगे क्या? अब आप खुद देखिए, सीरीज जो है उसके अंदर 5 पद हैं,
पांच में से दो तो आपको दिखाई दे रहे हैं, तीन आपको और लिखने हैं। तो आप देखिएगा पांचवा पद कहां से स्टार्ट होगा। सर जो पहली संख्या है वो वन से स्टार्ट हो रही है, जो दूसरा पद है वो दो से स्टार्ट हो रहा है, तीसरा तीन से होगा, चौथा चार से होगा, तो पांचवा किससे हो जाएगा, पांच से। तो ये जो पांचवी टर्म आएगी वो कुछ उस तरीके से आएगी, फाइव सिक्स सेवन एट, ये आपकी पांचवी टर्म है, फाइव सिक्स सेवन एट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या कहा कि सर ये कह रहा है कि पांच पदों तक आपको संख्या लेनी है, तो जाहिर सी बात है कि सर पहला पद वन से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा जो संख्या है वो दो से स्टार्ट हो रही है, तीसरा तीन से स्टार्ट होगा, तो पांचवा किससे स्टार्ट होगा, पांच से। और नंबर्स के बीच में एक एक का डिफरेंस है, तो पांच छह सात आठ ये सिक्वेंस आपका बनेगा। चलो पहले तो हम लोगों ने सिक्वेंस बना लिया, अब सिक्वेंस हमने बना लिया तो अब हम लोग आंसर कैसे निकालेंगे, फाइव सिक्स सेवन एट, एक नंबर एक्स्ट्रा लेना होता है, नो आ गया, आठ के बाद अगला नंबर नो है, माइनस, माइनस क्या करना है भाई, माइनस आपको स्टार्टिंग वाले नंबर करना है, स्टार्टिंग के नंबर क्या है, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर के बाद जीरो आएगा नहीं आएगा, जीरो क्यों आएगा, क्योंकि आपको मैंने बताया था जब लास्ट का आप लोग टर्म उठाते हैं तो नेक्स्ट नंबर लेते हैं, और जब शुरुआत का टर्म उठाते हो पिछला नंबर लेते हैं, एक से पहले जीरो ही आएगा, अंतर आपको एक एक का दिखाई दे रहा है। डिवाइड में क्या आएगा, देखो डिवाइड करने के लिए आपको पता है कि आपने यहां पर कितनी संख्याओं को जोड़े बनाए, एक दो तीन चार पांच, तो सर पांच संख्या आ गई, इनटू में अंतर, अंतर कितने कितने का चल रहा है, एक एक का, एक आ चुका है, सॉल्व कीजिए भाई, वो तो जीरो हो गया, और इसको सॉल्व करने में ज्यादा जोर नहीं आएगा, सॉल्व करो फटाफट से एक बार, एक आधा कैलकुलेशन तो कर दो भाई, बैठे रहने से कैसे काम चलेगा, कैलकुलेशन तो हमें करनी ही पड़ेगी। 5, 6, 7, 8, 9 डिवाइड बाय 5 कितना आएगा बताओ, 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल, 5 से 5 काटा पीटी हो गई, 6, 7, 8, 9 का आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। सीक्वेंस समझ में आ रहा है ना, लास्ट का पेयर एक एक्स्ट्रा नंबर, माइनस पहला पेयर एक पिछला नंबर, बटे में मुझे ये समझ नहीं आया मैंने 5 क्यों लिख दिया भाई, 5 मेरा कोई फेवरेट नंबर थोड़ी ना, 5 क्यों लिखा हम लोगों ने, क्योंकि यहां संख्याएं कितनी है, 5, यहां जब 4 थी 4 लिख रहे थे, 3 थी तो तीन लिख रहे थे, इनटू में एक क्यों आ रहा है, डिफरेंस आपको एक एक का दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग खुद मुझे निकाल के बताएंगे अभी, और इसी के साथ ये मल्टीप्लाई वाले सीक्वेंस जो हैं वो फिनिश हो जाएंगे। अगर टॉप में मल्टीप्लाई रहता है तो कैसे क्वेश्चन से आप देख रहे हैं, और जब डाटा रिवर्स होता है तो यह मैं स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूं, सारी बातें नोट करते हो चलना, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। ग्रुप डी की भी आपकी डेट्स आ चुकी हैं, उसमें भी हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है, तो मैथ्स में तो देखो आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, और उसके लिए सोर्सेस हर स्टूडेंट के पास होते हैं, बस कमी रहती है क्वेश्चंस करने की नियत की। अप टू 10 टर्म्स, ये कह रहा है कि सर ये सिक्वेंस जो है वो इसके अंदर 10 पद है, तो पहली शुरुआत हो रही है 2 से, दूसरा नंबर किससे स्टार्ट हो रहा है, 4 से, 2 4, तीसरा नंबर 6 से, तो सर 10वां नंबर जो स्टार्ट होगा वो 20 से हो जाएगा, डबल ही तो कर रहे हैं हम लोग, 2 4 6 8, 10वां नंबर जो स्टार्ट होगा 20 से स्टार्ट होगा, 2-2 का गैप है तो 22 आएगा, देन 24 आएगा, और देन 26 आएगा, ये आ गया आपका सिक्वेंस, 20 22 24 और 26 आ चुका है। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए मैंने क्या समझाया था, सबसे पहले फोकस करें लास्ट टर्म पर, सर वो तो है आपकी 20 22 24 26, नेक्स्ट नंबर आ गया आपका 28, 26 के बाद अगला जो नंबर आएगा वो क्या आएगा आपका, 28 आएगा, क्योंकि 2-2 का डिफरेंस भी आपको मेंटेन करना है, ऐसा नहीं कि हमेशा आप लोग 26 के बाद 27 ही काम में लेंगे, 3 का डिफरेंस होता तो 26 और 3 मैं 29 काम में लेता, अभी आपका 28 आ रहा है, ठीक है। अच्छा क्या माइनस करना है, पहले वाला नंबर कौन है, पहले वाला ये रहा, 2 4 6 8, अच्छा पिछला नंबर लेना है, 2 से पिछला कौन आएगा, 1 या 0, 0 क्यों आएगा भाई, 0 इसलिए आएगा सर क्योंकि आप 2-2 का गैप मेंटेन कर रहे हो, तो 2 से पहले 0 ही आएगा जिसमें 2 का गैप है। अच्छा नंबर्स कितने हो गए,
एक दो तीन चार पांच, पांच आ गया इनटू में अंतर कितने का है सॉल्व कर लो उसको, तो 20 22 24 26 28 देखो कुछ तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, डिवाइड बाय 5 इंटू दो 10 होते हैं, चलो जीरो मैंने कैंसिल कर दी, बाकी आपके हवाले करिए फटाफट से कर लिया, 22 24 26 28 चलो भाई कर लेंगे आप लोग ये लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। तो आप दोनों सेशंस अटेंड कीजिएगा, जिन लोगों ने दोनों सेशन अटेंड किए हैं वो वाकई में सिंप्लीफिकेशन के इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को एग्जाम में हैंडल करने की काबिलियत रखते हैं, पर जो लोग आधे अधूरे सेशन देखते हैं पूरा सेशन नहीं देखते उनको दिक्कत है, एग्जाम में आएंगी। अभी तो आपको ऐसा लगेगा कोई बात नहीं हम लोग बाद में पढ़ लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे, और कब आपका एग्जाम सर पे आ चुका होगा उस समय फिर स्टूडेंट्स आते हैं सर अब क्या करें, हमने अगर अभी कुछ नहीं किया तो फिर उस समय हम एग्जाम में कुछ नहीं कर पाएंगे, तो एग्जाम से एक महीने पहले डेढ़ महीने पहले की पढ़ने की जो आदत है ना वो खत्म कर दीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इतने आसानी से आपका सिलेक्शन होने वाला है, लगभग 6-7 महीने लगते हैं किसी भी अच्छे एग्जाम की तैयारी को कंप्लीट करने के लिए, समझने के लिए कि क्या पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, आपको किस लेवल पर तैयारी करनी है। तो अभी से स्टार्ट करें, नोटिफिकेशन निकलने का वेट ना करें कि नोटिफिकेशन आउट होगा, पहले फॉर्म भर के आएंगे आराम से साइबर कैफे के अंदर, फिर वहां टाइम वेस्ट करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन में गलती हो जाएगी फॉर्म के अंदर, उसको ठीक करवाएंगे, उसके बाद टीचर है बताने के लिए कि कितना जल्दी सिलेक्शन लिया जाए, उसके लिए क्या किया जाए, तो ऐसा नहीं होता है भाई, कंपटीशन बहुत टफ है, चीजों को पढ़ा करें, सेशंस अटेंड किया करें ज्यादा से ज्यादा। तो आगे भी सिंप्लीफिकेशन के 2-3 सेशन और होंगे, उसमें भी डिफरेंट टाइप हम लोग देखने वाले हैं। थैंक यू सो मच।